हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। ये ब्लॉग है मेरा ट्यूसडे का और मैं यहाँ पर किचन में निकाल रही हूँ खाना जो कि जोमेटो से ऑर्डर करके मंगाया गया है। और ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, इसके पीछे एक वजह है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ना फीवर आ रहा था, मंडे की नाइट से काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था। ट्यूसडे में मिस्टी को भी स्कूल नहीं भेज पाई थी क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, वीकनेस काफ़ी आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी उठी और जो भी काम थे क्लीनिंग के वो सब मैंने किए, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं थी और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। हस्बैंड का भी फास्ट था ट्यूसडे का, तो वो नहीं माने, बोले नहीं खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर करके मंगा दिया था और इतना कुछ मंगा दिया कि मुझे देखकर भी लग रहा था कि मैं कैसे खा पाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही सब निकाल रही थी। तो ये छोले थे और सांवर है, छोले भटूरे हैं और ये चटनी है नारियल की और टमाटो की, और ये है उत्पम जो कि ना काफ़ी मुझे हैवी सा लग रहा है। आप लोग भी आइए खाने, छोले का टेस्ट तो अच्छा है लेकिन ये उत्पम ना काफ़ी हैवी लग रहा है। मैंने घर पे बनाया नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया, तो देखती हूँ जितना खाया जाएगा खाऊंगी, उसके बाद मैं इसे उठाकर रख दूँगी। तो चलती हूँ मैं रूम में, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए बैठ कर हमारे साथ। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और मैं यहाँ पर निकाल कर ले आई थी और मिस्टी को भी खिला रही हूँ, लेकिन मिस्टी के अंदर हैबिट है और सामने मेरे हबी खड़े हुए हैं जो कि कैमरे में तो नहीं आए क्योंकि वो आते ही नहीं है। तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, टेस्ट तो ठीक था लेकिन मिस्टी को पसंद नहीं आया। मिस्टी के अंदर पता नहीं क्या आदत है, देखिए मिस्टी का मुँह कैसे बन चुका है। मिस्टी को ना बाहर का खाना पसंद ही नहीं आता, उसे हमेशा घर का ही खाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं बोल रही थी भाई मैं तो डेली बना बना के अपने हाथ का पक जाती हूँ, मुझे तो कभी कभी खाने दिया करो, और उन्होंने इतने प्यार से मंगाया तो मैं तो खाऊँगी थोड़ा बहुत जितना भी खाऊँगी। लेकिन मिस्टी के बहुत मुंह बन रहे थे, तो मैं जितना भी ये खाएंगी थोड़ा बहुत खिलाऊंगी, उसके बाद इन्हें बाहर मतलब घर में कुछ बनाऊंगी अपने हाथ से तब खिलाऊंगी। जबकि हर बच्चे को बाहर का पसंद आता है लेकिन इसे नहीं पसंद आता, कहती है मम्मा मुझे टेस्ट ही नहीं लगता है, स्पाइसी बना देते हैं ना बाहर का थोड़ा सा ये होता है और घर में मीडियम मिर्च उर्च रहती है। तो मुझे इससे भी इतना नहीं खाया जाएगा, मैं बस यहाँ पर उत्पम खाऊँगी और मिस्टी को भटूरा खिलाने की कोशिश करूंगी क्योंकि भटूरा थोड़ा पतला है और उत्पम काफ़ी हैवी है। मुझे भी खाने में दिक्कत सी लग रही है, मतलब अजीब लग रहा है मोटापे से क्योंकि मैं पतला उतला सा बनाती हूँ जो भी चीज़ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खा रही थी और हस्बैंड को थोड़ा सुना रही थी कि जब मंगाते हो तो एक बार पूछ कर मंगाया करो, आपका भी फास्ट है और देखना अगले दिन ना जो भी बचेगा आपको ही खाना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से कुछ बातें चल रही थी और खा भी रही थी। अभी मैंने मेडिसिन नहीं ली है क्योंकि नाइट में ज़्यादा फीवर था, मॉर्निंग में अब थोड़ा सा कंट्रोल है, नहाई धोई हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश मालूम हो रहा है अपने आप को भी। तो मेडिसिन जो घर में रखी है ना फ्लेक्सॉन वही खाऊंगी। बुध में तो कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, घर की मेडिसिन खाने से कुछ असर नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मैं कितनी सारी मेडिसिन लेकर आई बुध में। तो बराबर में हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाया, अच्छे हैं डॉक्टर, काफ़ी भीड़ लग रही है आजकल डॉक्टरों पर, तो इतनी सारी दवाइयाँ देती हैं कि दवाइयों से मुझे ना सख्त नफरत है, मेरा दवाइयाँ खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, वॉमिट आने लगती है जैसी मैं दवाई अपने मुँह में रखती हूँ। तो देखाऊंगी आप लोगों को कि मैं किस तरीके से खाती हूँ, और आपने आगे भी देखा होगा कि फ्लेक्सॉन एक टैबलेट खाने में ही मेरी जान सी निकल रही थी। तो इन मेडिसिन की ना जो खुशबू है ना वो दिमाग पर चढ़ती है और मेरे से खाया नहीं जाता, मुझे एकदम उल्टी सी आ जाती है। तो पता नहीं 5-6 गोलियां हैं एक बार में कैसे खा पाती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से खाऊंगी, कैसे अंदर तक निकली जाएंगी। तो खानी तो पड़ेंगी अगर सही होना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना लटक गया है, मतलब कमज़ोर तो मैं हूँ ही और ज़्यादा वीक हो गई हूँ, मतलब इतना फीवर हो गया था कि हद से ज़्यादा पूरा शरीर तोड़ दिया उसने। और यहाँ मेरे से मेडिसिन नहीं खाई जाएगी, मुझे वॉमिट आ जाएगी और इस वजह से मुझे एकदम कैमरा ऑफ करके बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब मुझे पता नहीं क्या है कि मेडिसिन मेरे से नहीं खाई जाती है, शुरू से हैबिट नहीं है, तो मैं हट गई इसीलिए कैमरे के सामने से। और अभी खानी है तो किसी किसी तरीके से एक एक करके गोलियों को खाऊँगी मैं यहाँ पर। और आप फेस देख सकते हैं कि बिल्कुल ना निकल आया है मेरा क्योंकि भूख ही नहीं लगी, इस बीच बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करा। मैं आकर बैठी हूँ छत पर और मेरी तरफ से सभी मेरे भाई बहनों को, मेरी पूरी YouTube फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। काफ़ी जगह पे रक्षाबंधन जो है ना आज मनाया गया है और काफ़ी जगह पे कल मनाया जाएगा, तो हमारे यहाँ पे तो वैसे कल मनाया जाएगा।
और मैं इस समय छत पर आकर बैठ गई हूँ क्योंकि मिस्टी को पतंगे देखनी थी, लेकर भी आने की जिद कर रही हैं और मेरी तो हिम्मत ही ऐसे पता नहीं क्यों शरीर ज्यादा टूट गया है फीवर आने से, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं मार्केट जाऊं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जवे लेकर आने हैं। कल मीठे जवे बनेंगे, हर घर में रक्षाबंधन पे मीठे जवे बनाए जाते हैं। तो बस मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है और इस ब्लॉग में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस तबीयत इतनी खराब हो गई थी कुछ दिखाने की कोशिश ही नहीं कर पाई। अब थोड़ी सी हिम्मत मेरी सही हुई है, मेडिसिन खा रही हूँ, अभी तो बहुत मेडिसिन बची है, पता नहीं किस तरीके से खाऊंगी और इम्प्रूव होगी मेरी बॉडी, क्योंकि खाना नहीं खाया गया और शरीर ना ऐसा ठंड देकर फीवर आया था और ये वायरल फीवर बहुत चल रहा है। तो सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि सेफ्टी बरतें, बहुत ज्यादा ध्यान दें, मेरी तरह फ्रिज का ठंडा पानी अब पीना छोड़ दें, मतलब मैं तो पी रही थी लेकिन अब आप लोग मत पीजिएगा, जितना हो अवॉइड करना। तो आप लोग को मौसम दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस समय पर, किस तरीके से मतलब पूरा आसमान में क्लाउडी क्लाउड है और धूप भी है, तो धूप ही देखिए धूप भी हो रही है, आसमान ना बहुत बढ़िया बना हुआ है इस टाइम पर, मतलब कोई साइड ऐसी नहीं है आसमान में कि क्लीन हो, पूरा स्काई बादलों से भरा हुआ है ब्लू ब्लू, और पतंगे कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, थोड़ी बहुत ही उड़ रही है, फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर ये मिस्टी देखो क्या कर रही है, चढ़ी बैठी है, मिस्टी को उड़ानी है पतंग, मिस्टी को सारे लड़के वाले शौक तो पूरे करने ही है, तो अभी मैं दिलाकर लाऊंगी नीचे, अगर पहले तो अपना फेस उस सही करूंगी, बीमारों की 100 बीमार हो गई हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में ज्यादा तो कुछ है नहीं, इस ब्लॉग का मैं यहाँ पर ही एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ अलग दिखाऊंगी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि मच्छर भी बहुत हो रहे हैं इस समय, डेंगू भी बहुत फैल रहा है और वायरल फीवर तो है ही। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।